हेलो फ्रेंड्स, मोना नीटिंग डिज़ाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। ये देखिए, स्ट्रॉबेरी शेप में ये मैं कीरिंग बनाई हूँ, ऊन से बना है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा। और इसे कैसे बनाया जाएगा आज मैं आपको बना करके दिखाती हूँ, बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर का ऊन लिया है और इसको उंगली पे ऐसे ये ऐसे लपेट देंगे और इसके अंदर से ये फंदा ये निकाल लेंगे और तीन चैन बनाएंगे, एक एक दो तीन। अब ऊन ऐसे लेकर के एक डबल क्रोशिया और ये दो का एक करेंगे और फिर ऊन लपेट करके इसी रिंग में से ये निकालेंगे आगे के दो के एक। अब हमारे पास ये तीन फंदे बच गए, इन तीन फंदों का एक फंदा, फिर एक चैन, फिर ऊन लपेटा, इसी रिंग में डाला, ये निकाला, ये तीन हो गए, इन तीन का दो किया और अब फिर एक बार ऊन लपेट कर इसमें ऐसे निकाला, फिर आगे के दो फंदे का एक किया। अब हमारे ये तीन फंदे बचे, इस तीन का एक, फिर एक चैन। इस तरह से हम रिंग में 12 बार बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे ऐसे 12 जोड़े बनके तैयार हो गए। अब हम यहाँ इस किनारे वाले जो तीन चैन था इसमें से एक ये हो निकाल करके ये दो का एक कर देंगे और ये जो पीछे ऊन था इसको हम ये टाइट कर देंगे, तो ये हमारा ये एक रिंग तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसमें ये जो ग्रीन वाला रिंग दिख रहा है ये अब हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ से हम इस ग्रीन ऊन को हटा करके रेड ऊन लगाएंगे। कैंची लाओ जैसा। अब ये देखिए, ये हमारा रिंग तैयार हो गया। अब इसमें ये रेड कलर का ऊन मैं लगाऊंगी, यहाँ से ऐसे ये निकाल करके बीच में एक चैन, दो और तीन चैन बनाया। फिर अब इसी होल में तीन बार ये डबल क्रोशिया बनेगा। ये हमारा देखिए दो हो गया और एक तीन। फिर इस दो जोड़े के बाद ये देखिए, यह है और ये है। अब इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये तीन। इस तरह से हर एक जोड़े के बाद ये जो बीच में एक चैन लिया था इसमें हम तीन डबल क्रोशिया से पूरा रिंग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा ये तीन तीन के हैं डबल क्रोशिया, ये 12 लाइन हमारी बन के कम्प्लीट हो गई। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए, ये यहाँ से किनारे वाले चैन से ये दो का एक कर लेंगे। इसके बाद ये ऊपर से ये निकाल करके ये, फिर ये दूसरे वाले होल में से ये, फिर इसमें से ऐसे और फिर यहाँ आखिरी वाले में से ये ऐसे। अब एक दो तीन, ये देखिए, इसका मैंने फर्स्ट राउंड बना लिया, ये ऐसे हमारा बन के आया है। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। अब इसमें एक चैन बन गया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर अगले उसमें तीन, एक तीन, ये देखिए, ये एक बना, ये दो, ऐसे मैं पांच बनाऊंगी। ये देखिए, हर एक के बीच में ये तीन तीन डबल क्रोशिया हमारे बने, तो एक दो तीन चार पांच। जब पांच बन जाएगा तो ये वाले में हम इस वाले चैन में अब हम नहीं बनाएंगे,
इसके अगले हुक में यहाँ पर ये ऐसे बंद हो जाएगा, एक छोड़ करके और फिर इसमें से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर ये तीन मैंने बना लिया, एक और इसके बाद फिर ऐसे ही पांच डबल क्रोशिया और बनेंगे। ये देखिए, ये एक दो तीन चार पांच बन गया है। अब ये देखिए बीच में एक ये छूटा है, इसको छोड़ करके अब ये किनारे वाला चैन, इसमें से हम एक बनाएंगे और इस दो का एक कर देंगे। अब अगली बार ये पीस में जो एक दिख रहा है, इसमें से क्रोशिया डाल करके एक फंदा निकालेंगे, फिर दो का एक, फिर इस बगल वाले में निकाल करके ये एक कर दिया, फिर इस बगल वाले होल में ऐसे निकाल करके एक कर दिया। अब हम यहाँ बीच में आ गए, यहाँ से दो का एक, एक चैन दो चैन, और फिर अब इसमें दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन अब ये बन रहा है। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी है, इसकी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड लाइन पे आ गए हैं। थर्ड लाइन में अब ये एक बन गया, चार और ऐसे जोड़े बनाऊंगे, तीन तीन डबल क्रोशे के एक एक फ्लावर बने हुए हैं। ये देखिए, पिछली बार पांच फूल थे, इस बार चार, एक दो तीन चार। इस चार के बाद अब ये साइड में देखिए, ये दिख रहा होगा, इसको छोड़ के इस अगले वाले में इसमें हम डबल क्रोशिया तीन बार बनाएंगे। ये ऐसे दो का एक किया, ये ये देखिए, हमारा स्ट्रॉबेरी का शेप आना शुरू हो गया। पिछली बार चार बनाया था, ये छोड़ा, अब ये इधर से भी चार बन गया। अब ये बीच वाला अब इसमें हम नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए, हमारा ये आ गया, अब इसके आगे वाले चेन में इसको ज्वाइन करना है। ये निकाल करके दो का एक, और जैसे मैंने जोड़ना बताया था, इसके ये ऊपर वाले सेट में से एक फंदा लेके दो का एक, फिर इधर से दूसरे में भी दो का एक, और ये तीसरे में भी दो का एक, फिर एक दो तीन। अब ये देखिए, एक दो तीन, अब इस बार तीन ही फूल बनेंगे। ये देखिए, इस बार ये तीन बना है। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रॉबेरी ये शेप का है, ये एक दो ये तीसरे। अब ये चौथी लाइन पे हम आ गए, इस बार हमारा तीन बनेगा। फिर देखिए, ये हमारा कॉर्नर आ गया, अब इस कॉर्नर को छोड़ करके ये अगले वाले इस चेन के यहाँ बीच में अब तीन डबल क्रोशिया बन गए, एक दो तीन। फिर अगले वाले में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर इसमें भी एक दो और तीन। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, ये किनारे वाला जो चैन है, ये तीसरा जो तीन चैन बनाया था उसमें से एक फंदा लेकर के दो का एक, और फिर ऐसे ही ऊपर वाले में से हाफ हाफ चैन बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये देखिए कितना सुंदर बन के आ रहा है। अब यहाँ पर फिर वैसे ही तीन चैन लेंगे,
ये हमारा एक चैन वाला और दो डबल क्रोशिया और आया, और पिछली बार तीन बनाया था, इस बार दो ही बनेगा। ये एक बन गया, एक और, ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, इस कॉर्नर वाले को छोड़ के इसके बाद वाले में अब तीन डबल क्रोशिया बनेगा। इस बार दो ही दो बने हैं। अब ये लास्ट वाले, ये जो लाइन है चैन, इसमें इसको लाकर जोड़ देंगे ये। अब फिर इसके होल में से हाफ हाफ क्रोशिया करके आगे ये बढ़ते जाएंगे। अब एक दो तीन चैन। अब इस बार, पिछली बार दो हुआ था, पहले छः पे पाँच, चार, तीन, दो बना और इस बार एक ही बनेगा। एक दो, ये तीन चैन, इसके बाद दो डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद यहाँ पलट देंगे, ये देखिए कॉर्नर वाला आ गया और ये इसके बीच में। अब यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये लास्ट में है, ये जो किनारे से लाकर यहाँ दो का एक, ये देखिए इस तरह से मेरा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से ये सूम को हम ऐसे खींच के यहाँ से कट करेंगे। अब इस धागे को क्रोशे से अंदर करेंगे और ये जो ग्रीन धागा है, अब इससे हम इसकी हैंडल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मेरा स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर छल्ले के लिए ये बीच में से ये ऐसे ग्रीन कलर का ऊन निकाल लिया और इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बना करके यहाँ से निकाल करके एक फंदा लिया और दो का एक कर दिया और इसके बाद इस ऊन को कट कर दिया। अब ये क्रोशी की सहायता से ये अंदर, ये हमारा हैंडल, ये देखिए ये तागा निकला हुआ है, इसे भी हम यहाँ से अंदर कर देंगे। ये देखिए ये हमारा सुंदर सा कीरिंग बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये ऐसे आप कलरफुल भी बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह से आप छोटा छोटा स्ट्रॉबेरी कीरिंग बनाइए, बच्चों को दीजिए, खुद इस्तेमाल करिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।